हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू। उस क्यू पॉइंट को हमें फाइंड करना है ऑन द एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस है, विच इज़ अ लाई द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। यानी कि ए और बी इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है, -5 और -2। बी पॉइंट हमारा 4 और -2। इस पर बनने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये 90 डिग्री बनाता है। जितना मेरा ए ओ है उतना ही मेरा ओ बी है। इसके ऊपर कोई पॉइंट है मेरा क्यू जो लाई करता है एक्स एक्सिस पे। अब देखो, ये क्यू पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस का है, जिसका मतलब है मेरा एक्स का तो कोई पॉइंट होगा, बट वाई क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा। ठीक, फिर बोला गया है नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट क्यू ओ ओ ए बी। अगर क्यू को ओ के साथ ज्वाइन कर दिया जाए, क्यू को बी के साथ ज्वाइन कर दिया जाए, तो बनने वाले ट्रायंगल का नाम बताओ क्या होगा। देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऊपर से परपेंडिकुलर पे कोई भी पॉइंट होगा, अगर उस पॉइंट को इनके दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल होता है। ठीक है, एक तरीके से इक्विडिस्टेंट होगा। ये क्यू पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। जितना मेरा क्यू ए उतना ही मेरा कौन होगा, क्यू बी होगा। क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, जिसकी वजह से जितना क्यू ए उतना होगा मेरा क्यू बी। अगर दो साइड बराबर हैं तो ये बनाएगा आइसोसेलस ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यू ए बी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक, अभी आइसोसेलस ट्रायंगल है, मैं इन दोनों को इक्वल करूँगा, क्यू ए एंड क्यू बी को। वहाँ से मैं फाइंड करूँगा मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, हम अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर एंड वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ऊपर आता है अंडर रूट ना आए, इसीलिए मैं इन दोनों कर देता हूँ स्केयरिंग बोथ साइड, ताकि ये अंडर रूट ऊपर ना आए, क्योंकि अगर आ भी गया तो स्केयरिंग करके ये हटेगा। इससे बेटर मैं पहले स्केयरिंग लगा देता हूँ। अब क्यू ए इन दोनों फॉर्मूला लगाता हूँ, ये मेरा हो जाएगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली एक्स टू में से माइनस करेंगे एक्स वन को, ये माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर ज़ीरो माइनस, फिर ये माइनस है माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर क्यू बी। ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्स में से माइनस करेंगे 4 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फॉर्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ फॉर्मूला ओपन होगा माइनस का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फॉर्मूला ओपन करता हूँ, ए की जगह आएगा एक्स, बी की जगह आएगा 5 प्लस का 2ab, यानी एक्स एंड 5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसका फॉर्मूला ओपन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab ए एंड 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 4, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर एक्स का हो जाएगा माइनस का, कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना है 25, 5 2 10x, 4 का 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 2 8x, 4 का 4, दोनों को ऐड किया 29 प्लस में 10x, दोनों को ऐड किया कितना हुआ 20 माइनस में 8x, प्लस का 20 इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का, 29 माइनस में 20 8x प्लस का 10x इधर इसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस किया कितना है 9, बड़ा कौन है पॉजिटिव का, तो साइन आएगा पॉजिटिव का, दोनों माइनस के दोनों जुड़ गए 18x। ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में, 9 अपॉन में -18, 9 1 9 9 2 18, ये मेरी वैल्यू आ गई एक्स की। यानी कि जो मेरा क्यू कोऑर्डिनेट होगा, जो मैंने माना था एक्स जीरो, वो इक्वल होगा माइनस का 1/2 एंड 0 के। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया, पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। यानी कि हमारा कोई लाइन है ए और बी,
ए के कोऑर्डिनेट है 2 माइनस का 2, बी के कोऑर्डिनेट है माइनस का 7 एंड 4। इस लाइन को पी और क्यू कोऑर्डिनेट बराबर तीन हिस्सों में बांटते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये जो दो पॉइंट है ये पी और क्यू है। अब पी कौन सा क्यू कौन सा वो हमें क्वेश्चन मेंशन है। पी इज़ द नियरर पॉइंट टू द ए, पी पॉइंट है वो ए का नियरर पॉइंट है। अगर पी है तो डेफिनेटली क्यू तो यही होगा। तो बताओ पी और क्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो तीनों इससे बराबर बराबर हैं, जितना ए पी उतना पी क्यू उतना बी क्यू, यानी इनके रेशो जो होगा वो होगा 1:1:1। अगर बात की जाए पी कोऑर्डिनेट की, तो पी कोऑर्डिनेट देखो ये वाले हिस्सा कितना होगा 1, ये भी 1, ये भी 1, टोटल कितना हो गया 2। तो यानी कि पी इसको डिवाइड करेगा 1:2 के रेशो में, क्यू इस लाइन को डिवाइड करेगा, देखो 1 एंड 1 2, बचा कितना 1, तो ये इसको डिवाइड करेगा 2:1 के रेशो में। ठीक, तो मैं मेंशन कर देता हूँ पॉइंट पी डिवाइड लाइन ए बी इन 1:2 रेशो, एंड सिमिलरली पॉइंट क्यू डिवाइड लाइन ए बी इन 2:1 रेशो। ठीक, ये से 1:2 में करेगा, 2:1 में करेगा। अगर कोई पॉइंट अब हमें बताने पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा एम प्लस एन, एम एन जो है मेरी वो इस लाइन सेगमेंट को बांटने वाले पॉइंट की रेशियो होगी, यानी कि ये मेरा 2 1 है और ये 2 है, ये 1 है ये 2 है। ठीक, दूसरा एम प्लस में एन नीचे एम एन, ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है। एम एन एम एन भर लिया, एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ लिखेंगे x2 x1, y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ लिखेंगे y2 y1। इसी तरीके से q कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ पे xy मेंशन कर दिया मैंने, यहाँ पे सिमिलरली m प्लस n, इसी तरीके से m प्लस n, यहाँ पे लिखेंगे x2 x1 y2 y1। ये हमारा x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा एंड y2 होगा। रेशो लिखेंगे 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 2। x2 मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 7, x1 हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2, y2 हो जाएगा मेरा 4, y1 हो जाएगा माइनस का 2। 7 1 7, 2 2 4, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 1 4, 2 2 4, 2 और 1 3, माइनस किया तो माइनस का 3 आएगा, 7 में 4 के माइनस का 3, अपन में 3, 4 में 4 गया 0/3, 3 में 3 का डिवाइड दिया माइनस का 1 एंड 0। तो हमारा जो पी पॉइंट होगा वो हो जाएगा माइनस का 1 एंड 0। दूसरा पॉइंट क्यू, इसके लिए रेशो लेंगे 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। सिमिलरली वही x2 कितना है मेरा माइनस का 7, x1 हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2, y2 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा माइनस का 2। 7 2 14, 2 1 2 अपॉन 3, 4 2 8, 2 1 2 अपॉन 3, माइनस किया 12/3, 8 में से 2 गया 6/3, 3 का डिवाइड 3 4 12, और ये मेरा है 2। तो मेरा क्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस का 4 एंड 2, और ये हो जाएगा माइनस का 1 एंड 0। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।